जैसे कि आपको पता ही होगा कि फाइनेंशियल मार्केट स्टेबल मार्केट्स नहीं होती है। मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशंस होते ही रहते हैं जो नॉर्मल लोगों को काफी रिस्की लगते हैं, बट ट्रेडर्स के लिए ये प्राइस फ्लक्चुएशंस अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। इनफैक्ट कुछ ट्रेडर्स माइनर प्राइस फ्लक्चुएशंस में भी ट्रेड करते हैं, जिसको स्कैल्पिंग कहते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू धन। इस वीडियो में हम स्कैल्पिंग के बारे में जानेंगे, उसके रिस्क समझेंगे और कुछ स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज भी सीखेंगे। सो स्कैल्पिंग एग्जैक्टली होता क्या है? स्कैल्पिंग एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इसका मेन एम होता है कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में स्टॉक्स में जो प्राइस फ्लक्चुएशंस हुए हैं या मूवमेंट्स हुए हैं उनसे प्रॉफिट अचीव करना। ट्रेडर्स जो कि स्कैल्पिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें स्कैल्पर्स कहते हैं। स्कैल्पर्स एक ही दिन में कई सारे ट्रेड्स करते हैं और अपनी पोजीशन को कुछ ही देर के लिए होल्ड करते हैं, मोस्टली जस्ट फॉर मिनट्स। उन फ्यू मिनट्स में स्कैल्पर्स का ऑब्जेक्टिव स्मॉल प्रॉफिट्स करना होता है। अब दिन भर में ऐसे स्मॉल प्राइस फ्लक्चुएशंस को स्कैल्पर्स कंटिन्यूअसली नोटिस करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग स्टॉक्स को परफेक्ट अपॉर्चुनिटी पे बाय या सेल करते हैं। अच्छा, स्कैल्पिंग ना एक काफी फास्ट पेस्ड एक्टिविटी होती है और इसके अंदर प्रिसिशन, टाइमिंग और एग्जीक्यूशन काफी इंपॉर्टेंट होती है। स्कैल्पिंग ट्रेडर्स के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती है। सक्सेसफुल स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी से छोटे छोटे प्राइस चेंजेस से प्रॉफिट्स करके ओवरऑल गेन ज्यादा हो सकता है। ऑल्सो स्कैल्पर्स का होल्डिंग पीरियड बहुत कम होने की वजह से लॉन्ग टर्म वैल्यू डिप्रिशिएट नहीं होती। अब कई ट्रेडर्स जो हैं स्कैल्पिंग को बाकी ट्रेडिंग स्टाइल से लेस स्ट्रेसफुल कंसिडर करते हैं। इमीडिएट ट्रेडिंग डिसीजन लेने के कारण हमारे इमोशंस का डिसीजन मेकिंग में इफेक्ट पड़ने के चांसेस भी कम होते हैं एंड ट्रेडर्स कम एंशियस फील करते हैं। एंड लास्टली, स्कैल्पर्स ज्यादातर अपने सारे पोजीशंस मार्केट क्लोज होने से पहले ही क्लोज कर देते हैं, जिससे कि ओवरनाइट या फिर नॉन ट्रेडिंग आवर्स में होने वाले अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का रिस्क कम रहे। बट ऑब्वियसली, एज यू कैन इमेजिन, स्कैल्पिंग में काफी रिस्क भी हैं। स्कैल्पिंग के लिए आपको काफी अलर्ट रहना पड़ता है, क्विक डिसीजंस लेने होते हैं जो काफी इमोशनली और मेंटली ड्रेनिंग हो सकता है। ऑल्सो स्कैल्पिंग में फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग की वजह से हमारे ट्रांजैक्शन का कॉस्ट काफी हाई हो सकता है, जो हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कम कर सकता है। ऑल्सो स्कैल्पिंग के प्रोसेस में एनालिसिस करने के लिए काफी कम टाइम होता है, जिससे इनकरेक्ट ट्रेडिंग डिसीजंस लेने का ना रिस्क बढ़ जाता है। पुअर एग्जीक्यूशन, पुअर स्ट्रेटेजी, लेट एंट्रीज, लेट एग्जिट्स, ओवर ट्रेडिंग, ये सब कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ट्रेडर्स स्कैल्पिंग में करते हैं। नाउ दैट यू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स एंड रिस्क्स, चलिए अब कुछ स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज समझते हैं। Now the first one is moving average. Moving average एक popular technical indicator है। इसका use trading या financial analysis में कुछ specific period के price data को smooth करने के लिए और trends को identify करने के लिए होता है। अब इस indicator के अंदर asset का कुछ chosen number of past periods का average price calculate करके एक chart पे as a line plot किया जाता है। ये line short term fluctuations को filter करके price trend की general direction का एक idea देते हैं। अब moving averages commonly दो type के हो सकते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब सिंपल मूविंग एवरेज जो है एसेट के क्लोजिंग प्राइस का एक सिंपल एवरेज लेते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी क्लोजिंग प्राइस का एवरेज लेते हैं, बट इसमें रीसेंट डाटा पॉइंट्स को ज्यादा वेट दिया जाता है। स्कैल्पिंग में जनरली ट्रेडर्स जो है थ्री मूविंग एवरेजेस का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जिसके अंदर टू फास्ट मूविंग एवरेजेस होते हैं जिनका क्रॉस ओवर ट्रेडिंग सिग्नल देता है, एंड एक स्लो मूविंग एवरेज होता है जो ट्रेंड इंडिकेट करता है। अब एग्जाम्पल के लिए हम ये तीनों कॉम्बिनेशन 3 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे देखते हैं। स्लो मूविंग एवरेज को 200 के पीरियड के लिए लेते हैं, फर्स्ट फास्ट मूविंग एवरेज को 5 पीरियड के लिए लेते हैं और सेकंड फास्ट मूविंग एवरेज को 20 पीरियड के लिए लेते हैं। नाउ फर्स्टली, 200 पीरियड एवरेज से ट्रेंड आइडेंटिफाई हो सकता है। अगर 3 मिनट चार्ट पे प्राइस कंसिस्टेंटली 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है तो वो अप ट्रेंड इंडिकेट करता है, वेरेस अगर प्राइस कंसिस्टेंटली 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है तो वो डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है। अब नेक्स्ट, दो फास्ट मूविंग एवरेजेस से सिग्नल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो 200 पीरियड एवरेज अगर अप ट्रेंड इंडिकेट करता है, तब अगर 5 पीरियड मूविंग एवरेज 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे से क्रॉस करेगा तो ये एक बुलिश सिग्नल मिलेगा। नाउ कन्वर्सली, अगर 200 पीरियड एवरेज डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है, तब अगर 5 पीरियड मूविंग एवरेज ऊपर से 20 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो वो एक बियरिश सिग्नल माना जाता है। द सेकेंड इज स्टोकास्टिक ऑसिलेटर। स्टोकास्टिक ऑसिलेटर एक पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर है। ये मार्केट में होने वाले पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल कंडीशंस को आइडेंटिफाई करता है। इसके इंडिकेटर के वैल्यू 0 टू 100 के बीच में रेंज करते हैं। अब सिंपल टर्म्स में समझे तो स्टोकास्टिक ऑसिलेटर ट्रेडर्स को ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस इंडिकेट करता है। ओवरबॉट कंडीशन का मतलब है जब एसेट का प्राइस उसकी रीसेंट प्राइस हिस्ट्री से काफी ज्यादा है, और ओवरसोल्ड कंडीशन मतलब जब ये एसेट का प्राइस उसकी रीसेंट प्राइस हिस्ट्री से काफी लो है। अब जब ये इंडिकेटर 80 से अबव होता है, देन इट सजेस्ट दैट एसेट्स ओवरवैल्यूड हो सकते हैं एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसका प्राइस डिक्लाइन होगा।
अब सिमिलरली जब इंडिकेटर 20 के बिलो होता है देन इट सजेस्ट्स कि एसेट अंडरवैल्यूड है एंड देयर इज अ चांस ऑफ पोटेंशियल प्राइस इंक्रीज। इस इंडिकेटर में दो इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं। एक लाइन ऑसिलेटर के हर सेशन की एक्चुअल वैल्यू रिफ्लेक्ट करती है, दैट इज द परसेंटेज के लाइन, और दूसरी उसका 3-day सिंपल मूविंग एवरेज रिफ्लेक्ट करती है, दैट इज द परसेंटेज डी लाइन। अब क्योंकि प्राइस अपना मोमेंटम फॉलो करता है, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन एक सिग्नल माना जाता है। परसेंटेज के लाइन शॉर्ट टर्म प्राइस चेंजेस बताती है और ये यूजुअली फास्टर लाइन कंसिडर करी जाती है। नाउ वेयर एज परसेंटेज डी लाइन स्लोअर लाइन होती है बिकॉज ये मूविंग एवरेज रिप्रेजेंट करती है और ये लाइन ज्यादा स्मूथ होती है। इन लाइन्स का इंटरसेक्शन जो है मार्केट में ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड कंडीशन का सिग्नल देता है। जब भी परसेंटेज के लाइन परसेंटेज डी लाइन को ऊपर से क्रॉस करती है एंड दोनों लाइन ओवरबॉट जोन यानी कि 80 के अबव जोन में है तो ये इंडिकेट करता है कि एसेट का प्राइस कैन स्टार्ट टू डिक्लाइन नाउ। और जब परसेंटेज के लाइन परसेंटेज डी लाइन के नीचे से क्रॉस करती है और दोनों ही लाइंस ओवरसोल्ड यानी कि बिलो 20 के जोन में होती हैं तो ये इंडिकेट करता है कि एसेट का प्राइस बढ़ सकता है। नाउ द थर्ड इज पैराबोलिक एसआर इंडिकेटर। ये टेक्निकल इंडिकेटर जो है ट्रेडिंग में पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। SAR स्टैंड्स फॉर स्टॉप एंड रिवर्सल क्योंकि ये इंडिकेटर लॉन्ग से शॉर्ट पोजीशन एंड शॉर्ट से लॉन्ग पोजीशन में स्विच करने में यूज होता है। बेसिकली ये इंडिकेटर चार्ट पे डॉट्स की सीरीज की तरह दिखता है जो प्राइस के बार के अबव या बिलो प्लेस होती है। प्राइस बार के नीचे कोई भी सीरीज ऑफ डॉट्स बुलिश सिग्नल देती है, वही कन्वर्सली कोई भी सीरीज ऑफ डॉट्स जो प्राइस बार के ऊपर होती है वो बियरिंग सिग्नल देती है। अगर डॉट्स ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फ्लिप होते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि प्राइस की डायरेक्शन में कोई पोटेंशियल रिवर्सल होने वाला है। नाउ फॉर एग्जांपल अगर डॉट्स प्राइस लेवल के ऊपर है और फिर अगर वो प्राइस के नीचे आ जाते हैं तो ये सिग्नल देते हैं कि प्राइस इज राइज हो सकते हैं। नाउ पैराबोलिक SAR इंडिकेटर्स स्टॉप लॉस के लिए भी यूज होते हैं। लॉन्ग ट्रेड में पैराबोलिक SAR डॉट्स प्राइस के नीचे अपीयर होते हैं और शॉर्ट ट्रेड में प्राइस के ऊपर। ये डॉट्स को स्टॉप लॉस कंसिडर करके अगर प्राइस इनको क्रॉस करता है तो ट्रेडर पोजिशन एग्जिट कर सकता है एंड एडिशनली पैराबोलिक SAR प्राइस के साथ मूव करता है। सो डॉट्स की ये डायनेमिक मूवमेंट ट्रेडर्स को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में पैराबोलिक SAR इंडिकेटर को सिमिलर वे में यूज करते हैं, बट अगेन सिंस ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है इनको शॉर्ट टर्म चार्ट यानी कि 5 मिनट या 3 मिनट चार्ट पे प्लॉट करके रिवर्सल एंड स्टॉप लॉस का एडवांटेज लेते हैं। Now the fourth is the RSI. RSI stands for Relative Strength Index. Relative Strength Index एक monumentum oscillator है जो speed और price के movements में changes को measure करता है। As a momentum indicator, Relative Strength Index security की price ऊपर जाने के दिन और price नीचे जाने के दिन compare करके price trend का strength identify करता है। ये indicator 0 to 100 तक values show करता है and overbought and oversold conditions के signals provide करता है। Now usually जब भी RSI below 30 overselling indicate करता है यानी कि एसेट का प्राइस उसकी रीसेंट पास हिस्ट्री से काफी लो है सो प्रोबेबली ट्रेडर उस एसेट को खरीद सकते हैं एक्सपेक्टेड कि उसका प्राइस इंक्रीज होगा। वेयर एज अगर RSI की वैल्यू अबव 70 है तो वो ओवरबाइंग इंडिकेट करता है यानी कि एसेट का प्राइस उसकी रीसेंट पास हिस्ट्री से काफी हाई है सो प्रोबेबली ट्रेडर उस एसेट को बेच सकता है एक्सपेक्टिंग कि उसका प्राइस गिरने वाला है। ये 70 और 30 का रेंज सब सिक्योरिटीज के लिए अलग हो सकता है। Also, it's possible कि एसेट के prices longer period के लिए overbought या oversold areas में trade करें। Also, RSI दूसरे technical indicators के साथ use कर सकते हैं। Now, scalping में भी RSI ऐसे ही use होता है, but in much faster pace, जो fast decision making और practice से होता है। So, these were the 4 major scalping techniques used by the scalpers in the financial market. और भी कई technical trading strategies scalping में apply हो सकती हैं। इन स्ट्रेटजीज का चॉइस या सिलेक्शन ट्रेडर्स की इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, कंफर्ट एंड मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अभी तक जितनी भी स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस करी हैं, सबकी अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। एंड डिफरेंट मार्केट कंडीशंस पे उनका टेस्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आपके ट्रेडिंग स्टाइल में फिट होने वाला बेस्ट स्ट्रेटजी मिल सकता है। स्कैल्पिंग एम्प्लॉय करते वक्त इतना जरूर ध्यान रखना कि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फुल प्रूफ नहीं होती एंड स्कैल्पिंग खुद में ही काफी चैलेंजिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट पेस्ड नेचर। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और चेंजिंग मार्केट कंडीशंस में क्विकली अडैप्ट करने की क्वालिटीज होनी चाहिए। और स्कैल्पिंग जो है एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए काफी रिवॉर्डिंग हो सकती है, पर नए ट्रेडर्स के लिए इनिशियली चैलेंजिंग होना काफी ऑब्वियस है। वैसे आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। क्या आप स्कैल्पिंग करते हैं और कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और फ्यूचर में और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.